हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा भारतीय नर्क। एक आदमी की मौत हो गई और उसे अपने कर्मों के कारण नर्क की प्राप्ति हुई। उसने वहां जाकर देखा कि हर देश के लिए अलग अलग नर्क हैं। वो अमेरिकन नर्क में गया और पूछा कि यहां आत्माओं को किस तरह पीड़ा दी जाती है। उसे बताया गया, पहले तो वे आपको बिजली की कुर्सी पर 1 घंटा बैठाकर करंट लगाते हैं, फिर आपको तीखे कीलो वाले बिस्तर पर नंगे बदन घंटे भर सुलाते हैं, फिर अमेरिकन राक्षस आता है जो दिन भर आपको चाबुक के कोड़े लगाता है। उस आदमी को यह सारा सिलसिला पसंद नहीं आया और वह आगे बढ़ गया। उसने आगे जाकर जर्मनी, जापानी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि तमाम देशों के नर्क देख डाले। सभी में जैसी सजा अमेरिकन नर्क में दी जाती थी, लगभग उसी किस्म की सजा नर्क में आने वाले सभी आत्माओं को दी जाती थी। हाँ, धरती पर किए पापों की गंभीरता के आधार पर समय में कुछ कमी बेसी जरूर हो जाती थी। घूमते घूमते वो आखिर में भारतीय नर्क में पहुंचा। वहां उसने देखा कि नर्क में प्रवेश के लिए आत्माओं की हजारों मील लंबी लाइन लगी है। आश्चर्यचकित होता हुआ उसने पूछा कि यहाँ किस किस्म की सजा आत्माओं को दी जाती है जिसके कारण इतनी लंबी लाइन लगी है। उसे बताया गया कि पहले तो वे आपको बिजली की कुर्सी पर 1 घंटा बैठाकर करंट लगाते हैं, फिर आपको तीखे कीलो वाले बिस्तर पर नंगे बदन घंटे भर सुलाते हैं, फिर भारतीय राक्षस आता है जो दिन भर आपको चाबूस के कोड़े लगाता है। उसे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने फिर पूछा, पर ऐसी ही सजा तो अमेरिकन और तमाम अन्य देशों के नरकों में भी है। वहां तो अंदर जाने वालों की ऐसी भीड़ नहीं दिखी। किसी ने उसकी जिज्ञासा शांत की, क्योंकि यहाँ भीड़ के कारण बदहाली है, मेंटेनेंस बहुत घटिया है, बिजली आती नहीं, अतः बिजली की कुर्सी काम नहीं करती, बिस्तर से कीलों को लोग चोरी कर ले जा चुके हैं और कोड़े लगाने वाले भारतीय राक्षस भारतीय शासकीय सेवा में रह चुके हैं। जो आते तो हैं, परंतु हाजिरी रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कैंटीन चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।